हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। रापचिक रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आटा और आलू से बहुत ही कुरकुरी मट्ठी। तो देख लेते हैं। पहले हमने ये आटे और आलू की मट्ठी बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है। ये एक कटोरी तो मैं ले रही हूँ आटा, नॉर्मल गेहूं का आटा है ये। 3/4 कटोरी ये मैंने लिया है मैदा, और ये करीब हाफ कटोरी है सूजी। ठीक, इसमें मैं डालूंगी करीब हाफ टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून डालूंगी अजवाइन। अजवाइन मट्ठी में अच्छी लगती है, तो आप अच्छे से ले लो जिसको हाथ से थोड़ा सा ब्रश करके, और फिर मैं डाल दूंगी, सिर्फ मट्ठी अच्छी आएगी। और साथ में इसमें 1 टेबल स्पून ही डाल रही हूँ मैं कसूरी मेथी, इसे भी हाथ से क्रश करके और इसमें डाल दूंगी। बाकी मैं इसमें डालूंगी इसके मोमेंट के लिए, इसमें 6 चम्मच मैं अभी ऑयल डाल दूंगी उसमें। 3, 4, 5 छोटा स्पून है, मैंने 6 चम्मच डाला है, 5 से 6 चम्मच इसको आ जाएगा। इसको हम कर लेंगे एक बार को मिक्स। और जैसा कि मैंने बोला है कि हम बना रहे हैं आटे और आलू की मट्ठी, अब हम इसमें मिक्स करेंगे आलू। आलू के लिए मैंने क्या करा है, आलू को इसमें मैंने 3 आलू लिए हैं मीडियम साइज के। उसको बॉईल करके ठंडा हो जाए, फिर ऐसे मैंने कद्दूकस कर लिया। याद रखना, इसे कद्दूकस कर लेना है, हाथ से मैश मत करिएगा। इससे क्या होगा, आलू पूरा अच्छे से बराबर से हो जाएगा। अब इस आलू को मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके आलू डालेंगे, और जो आलू का मॉइस्चर है उसी से हम आटे को गूंथेंगे। इस मट्ठी के लिए हमें थोड़ा टाइट आटा गूंथना होगा, नॉर्मल जो हम डो तैयार करते हैं उससे बहुत ही टाइट रहेगा। और लगभग इसमें 3 आलू लग जाएगा पूरा। पानी डालने की आपको इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर लास्ट में लगेगा तो हम 1-2 चम्मच पानी देखेंगे। ये आलू के मॉइस्चर से ही पूरा आटा गूंथ जाएगा। ये आलू बचा था ये भी मैं ले ली हूँ, ये पूरा 3 आलू मेरा इसमें आ गया। अभी मुझे ये थोड़ा टाइट लग रहा था, इसमें मैं 2 चम्मच पानी डाल रही हूँ, नॉर्मल पानी। कितने तरह के पानी होते हैं। अभी ये मेरा एक अच्छा टाइट सा डो तैयार हो गया है। अब इसको मैं छोड़ दूंगी 15 से 20 मिनट करीब, क्योंकि मैंने इसमें सूजी डाली है, सूजी भी अच्छे से फूल जाएगी। ये देखिए, इतना रखना है, और इसमें हम फॉक से ऐसे छेद कर देंगे, ताकि ये तलते समय ना पूरी की तरह फूलनी नहीं चाहिए। मट्ठी है तो हम इसे छेद करके रखेंगे। एक और दिखाती हूँ, इसको ऑयल लगा के बेल लीजिए, चाहे सूखा आटा लगा के बेल लीजिए, जैसे आपको मन हो। देखिए, साथ में बेल के रख ली है, अब इसको हम तल लेते हैं। ये मैंने पहले से बेल ली थी, तेल मेरा गरम हो रहा है, मैंने डाल दिया था। तेल को आपको बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है इस मट्ठी के लिए, तो हल्का गरम रहेगा, और इसको मीडियम गैस पे ही सेकना है इस मट्ठी के, तो ये क्रिस्पी और करारी होनी चाहिए। और एक साथ आप बहुत सारी मट्ठियाँ इस पर डाल सकते हो, और धीमे धीमे गैस पे इसको सेकना है। पहले एक साइड से सिक जाने दीजिए, तब इसे पलटिएगा। इवनिंग स्नैक्स के लिए, चाय टाइम के लिए बहुत अच्छा स्नैक्स।
देखिए बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी है ये मेरे को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आटे और आलू की कुरकुरी मट्ठी तैयार है, एकदम कड़क है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी इसमें से, बहुत ही करारी और क्रिस्पी है। आप भी बनाइए फ्रेंड्स, इंजॉय करिए, ये मट्ठी बहुत ही टेस्टी है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और फिर मिलेंगे हम एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।